हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात के पुनाना शहर में बीते रोज जिन दो समुदाय के दो परिवारों में मामूली बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया था कि लाठी डंडे पत्थरबाजी तथा फायरिंग तक हो चुकी थी। झगड़ा दो समुदायों का था, इसलिए यह खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। कई न्यूज चैनलों ने इसे सांप्रदायिकता का रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मामला सिर्फ दो ही परिवारों का था। इस तमाम घटना को लेकर बीजेपी नेता नौकचम चौधरी ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात डाल दी है। वहीं आज जिला प्रशासन से इस मामले को जल्द सुलझाकर भाईचारा कायम करने की अपील की है। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी नेता नौकचम चौधरी ने आज दोनों ही पीड़ित परिवारों के घर जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और इस मामले को तूल न देने और आपसी भाईचारे की गुजारिश की है। वहीं दोनों ही पीड़ित परिवारों ने नौकचम चौधरी की इस बात को माना है। इंशाल्लाह जल्द ही इस मामले को निपटा दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें, इस घटना को लेकर नौकचम चौधरी बहुत गंभीर है और इस मामले को सुलझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। नौकचम चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया, मेवात क्षेत्र में आपसी भाईचारे को हरगिज बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।